तो अगर दोस्तों आपको भी सेम ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसे ये जो एरर कोड आ रहा है ये आ रहा है, तो दोस्तों बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल इसका अच्छे से सोल्यूशन दूंगा और अच्छे से आपका फाइल को रेंडर भी करके दिखाऊंगा। आपकी जो क्लिप है, जितने भी आपकी टाइमलाइन पर रखी हुई है, पूरी की पूरी ये जो क्लिप रखी हुई है, जो आपकी पूरी की पूरी क्लिप रखी हुई है, उसको पूरे आसान तरीके से रेंडर करके दिखाऊंगा, तो जिससे जितने आपकी मेहनत की हुई टाइमलाइन पे, वो आपकी मेहनत बर्बाद ना जाए। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको उसके प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलेगा। दोस्तों स्वागत है आपका हेल्प डेस्क नवीन में। तो दोस्तों दोबारा से हम इसको रेंडर करने की कोशिश करते हैं और इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। हमारा डिफ़ॉल्ट लोकेशन वही डला हुआ है, ठीक है, हमारा डिफ़ॉल्ट लोकेशन वही डला हुआ है, इसको हम सीधा एक्सपोर्ट करते हैं। ये देखिए ये प्रॉब्लम आया, ये दोबारा से एरर कोड बता रहा है, अराउंड टाइम कोड, ये 8 फ्रेम्स पे आ रहा है ये एरर कोड। ओके तो दोस्तों मैं आपको कुछ सोल्यूशन दूंगा, उसको प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, ठीक है। हालांकि ये मेरे ब्लैंक वीडियो हो गई है, मेरे अभी GPU पे है, ठीक है, तो इसमें एरर आ गया है ऑलरेडी, मैंने इसके वीडियो बना रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले हम जाएंगे एडिट प्रीफ्रेंस और यहाँ जाएंगे मीडिया कैशे, ठीक है, मीडिया कैश खुल रहा है, राइट मीडिया कैश खुल गया हमारा, और मीडिया कैश को हम उसको ऐसे डिलीट कर देंगे, ठीक है, डिलीट हो गया। अब रेंडर करके देख लेते हैं, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, दूसरा सोल्यूशन ट्राई करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इसको, क्लिप को रेंडर इन आउट करके, सेम प्रॉब्लम आ रहा है। इस प्रोजेक्ट को आप सेव कर दीजिए किसी दूसरे नाम से, सेव एस, और दूसरे पार्टीशन में सेव कर दीजिए। जैसे मैं अभी मेरा बाइट अभी मेरा ये प्रोजेक्ट था सी ड्राइव में, ठीक है दोस्तों, मेरा सी ड्राइव में था ये, अब मैं इसको के ड्राइव में कर दे रहा हूँ, ठीक है, के ड्राइव में मैं इसको मैं फ़िलहाल बाहर रख दे रहा हूँ, ठीक है, के ड्राइव में मैंने इस प्रोजेक्ट को बाहर रख दिया। ओके तो दोस्तों जो इसका रेंडर है वो हमें उसी दूसरे ही पार्टीशन में देना है, ठीक है, पाथ बता देते हैं इसको, के ड्राइव, और हम तो फ़िलहाल हम इसको के ड्राइव में मैं इसको रेंडर कर रहे हैं। अभी भी इसका प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकला। अब देख लेते हैं दोस्तों अगला वाला सलूशन। दोस्तों अब क्या करना है, तो दोस्तों हम सबसे पहले जाएंगे फाइल, प्रोजेक्ट सेटिंग, जनरल, और उसके बाद मर्करी, जो मर्करी प्लेबैक इंजन GPU है, यानी कि ग्राफिक्स कार्ड में है, उसको हम मर्करी प्लेबैक इंजन सॉफ्टवेयर ओनली पे करके देख लेते हैं, सिर्फ सॉफ्टवेयर पे हम रेंडर करके देख लेते हैं, यानी कि अब CPU और रैम पे डिपेंडेंट हो गया है ये सॉफ्टवेयर। अब हम इसको रेंडर करके देखते हैं, अब रेंडर करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल एम, सेम दूसरे पाथ पे, अब इसको रेंडर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन काम कर जाएगा। तो दोस्तों ये रैम और CPU की वजह से रेंडर ले तो रहा है, बट इसमें टाइमिंग कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा है, इतना टाइमिंग की वजह से तो हमारा रेंडर काफ़ी लेट हो जाएगा, तो हम इसको किसी और तरीके से रेंडर करने की कोशिश करते हैं। अभी फ़िलहाल ये रैम पे चल रहा है, ना कि GPU पे, यानी कि ग्राफिक्स कार्ड पे ये रेंडर नहीं हो रहा है। कर देते हैं इसको कैंसिल, इसको भी कैंसिल, कंट्रोल एम, ऐड टू रेंडर क्यू, मीडिया इनकोडर दोस्तों आपके पास होना ज़रूरी है, नहीं है तो आप इसको प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए, तभी ये रेंडर हो पाएगा, क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट क्लिप्स हैं आपने एडिट कर चुके हैं, उसके बाद रेंडर नहीं ले रहा है, रेंडर में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए आपको ज़रूर करना पड़ेगा ये। तो ऐड टू रेंडर क्यू, अब हमारा मीडिया एनकोडर खुल रहा है, ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये हमारा मीडिया एनकोडर खुल गया, अब यहाँ पे फाइल ऐड हो जाएगा अपने आप ही, जो हमने उस वहाँ से ऐड टू रेंडर क्यू किया था। ये देखिए दोस्तों हमारे क्लिप आ गया, जो हमने वहाँ पे ऐड टू रेंडर क्यू किया था, ठीक है।
उसके बाद इसको पास दे दीजिए। आप चाहें तो इसको आप डेस्कटॉप पे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें दूसरे जो पाथ है वहाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे ही हम इसको वापस से सेव कर लेंगे। ओके, तो मेरा एक क्लिप था RV2 का, आप जहाँ मर्जी वहाँ पे आप इसको रख दीजिए, रेंडर कर दीजिए। उसके बाद इसको हम रेंडर कर देते हैं, रेंडर लगाते हैं, देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से काम कर रहा है, बहुत ही फास्ट तरीके से काम कर रहा है। डिपेंड आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस के हिसाब से, सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। मेरे सिस्टम में अप्रोक्स ये 7 से 8 मिनट तक का टाइम लगेगा, हालांकि ये वीडियो 8 मिनट 33 सेकंड की थी। ठीक है, तो अब इजीली मेरा ये रेंडर हो रहा है दोस्तों, देख सकते हैं बहुत ही स्पीड से। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ आ गया होगा दोस्तों, और आपके प्रॉब्लम का सलूशन भी निकल गया। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके प्रीमियर प्रो से रिलेटेड कोई भी एरर्स, कोई भी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।